पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर दतिया जिले के वरिष्ठ बसपा एवं भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी दतिया के अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कमलनाथ के निवास पर सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिसमें प्रमुख रूप से दतिया जिले के वरिष्ठ बसपा नेता स्वर्गीय स्वामी शरण डांगी के सुपुत्र लोकेंद्र सिंह डांगी एवं महिपाल सिंह गुर्जर, डॉक्टर राकेश खरे, बुद्ध सिंह यादव, वकील साहब राजा सिंह यादव, रामाकांत पाठक जी, सुग्रीव यादव उन्नाव, मुन्ना मंसूरी भांडर, सुरेंद्र श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह डांगी, वीरेंद्र सिंह डांगी, सुरेंद्र सिंह डांगी, नरेश यादव, संजीव श्रीवास्तव, किशोरी शरण पालिया, राम मिलन डांगी, सुरेश डांगी, लखन रजक, धर्मेंद्र यादव कसौली, मनोज कुशवाहा कसौली, जगराम सिंह डांगी, अनिल डांगी, वकील साहब गंगाराम अहिरवार, रविंद्र डांगी, रब्बू, करण सिंह डांगी, बाबूपाल भूरे डांगी, रवि डांगी, राजा डांगी, अनिल गुर्जर, सतीश गुर्जर, ब्रजेंद्र गुर्जर, उमेश यादव, हनुमान सिंह, राजकुमार कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गिन्नी डांगी, रचित रजक, सनी प्रजापति, वैदेही शरण डांगी, मनोज पाल, गज्जू अहिरवार, शंकर डांगी, विनोद कार, विनोद करण, लक्ष्मी नारायण प्रजापति, जगदीश कुशवाहा, आकाश कुशवाहा ने कमलनाथ जी द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तत्पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सिंह, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और संगठन प्रभारी राजीव सिंह एवं पूर्व विधायक राधेलाल बघेल से मुलाकात की और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को तन मन धन से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।